जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होना जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर समस्याएं हमें घेर लेती हैं, और ज्योतिष के नजरिए से ऐसी स्थिति केवल एक ही परिस्थिति में होती है, जब जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो खराब होती है। उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, साढ़े साथी आदि, इन सबका जो प्रभाव है वही हमारी जन्म कुंडली में सारी समस्याओं को जन्म देता है, हमारे जीवन में सारी समस्याओं को जन्म देता है। यदि कुंडली के ग्रह पीड़ित ना हो और दोष युक्त ना हो तो हमारे जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन हर कुंडली में, हर किसी की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अवश्य होते हैं। केवल जन्म कुंडली के ग्रहों के पीड़ित और दोषयुक्त होने के कारण ही हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण हमें केवल नुकसान होते हैं, इसी के कारण हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसी के कारण वेल्थ खराब होता है, फाइनेंसिस खराब होते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपसी कलह, घर में झगड़े, सारी चीज, सारी समस्याएं ग्रहों की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनकी हेल्प लेकर के, जिन उपायों को आप फॉलो करके, जिनकी मदद से मनुष्य या कोई भी आम इंसान अपने दुखों पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकता है। मैं हमेशा एक स्टोरी मुझे याद आती है और मैं हमेशा उसका वर्णन भी करता हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं सूली को सूल बना सकता हूं। यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपके भाग्य में फांसी की सजा लिखी है, सूली मतलब फांसी की सजा आपके भाग्य में लिखी है, तो मैं उसको सूल बना सकता हूं, यानी कि एक कांटा आपको चुभेगा और वो जो लिखा हुआ आपका कर्म है वो कट जाएगा, लेकिन जो लिखा है उसको मिटा नहीं सकता, हो नहीं सकता वो मिट जाए। जो लिखा है वो होकर रहेगा, जो होनी है वो होगी, सिर्फ आपके पुण्य कर्मों द्वारा उसके नकारात्मक प्रभावों को, उसके नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, उसके जो आपके दोष हैं उनको कम किया जा सकता है, खत्म कभी नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी ज्योतिष, तांत्रिक, एस्ट्रो बाबा कोई भी बैठ के दावा करते हैं कि हम आपके दुखों को खत्म कर देंगे या आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आई एम सॉरी टू से, संभव ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन नहीं है इसका। शास्त्र कहते हैं जो कर्म आपने किए हैं, चाहे वो 20 जन्म 100 जन्म पहले किए हों, अगर उनका फल आपको नहीं मिला है तो मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन आप अपने पुण्य कर्मों द्वारा या फिर कुछ उपायों द्वारा उनके उस प्रभाव को कम कर सकते हैं और उन ग्रहों को अपने लिए काफी हद तक अनुकूल बना सकते हैं, ताकि वो ग्रह हमारे जीवन में, सफल जीवन में व्यतीत करने की तरफ हमें हेल्प करें और हम सफलता से जीवन जी पाए। आइए बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के कुछ मुख्य उपायों के बारे में। पूजा अनुष्ठान। ज्योतिष में अनिष्ट ग्रहों की शांति का बड़ा महत्व होता है। कुंडली में परीक्षण के उपरांत जब भी आप कोई कुंडली किसी को दिखाते हैं या कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली का परीक्षण करते हैं, तो उन ग्रहों की परीक्षण के उपरांत अनिष्ट ग्रहों की, जो भी खराब ग्रह हैं उनकी, विधिवत और शास्त्रानुसार शांति के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे अनिष्ट ग्रह के जाप करा सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, नवग्रह शांति करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, शतचंडी महायज्ञ करा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जिनका विशेष महत्व है, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है उन परेशानियों से, इन सारे उपायों को फॉलो करके। मंत्र का ज्योतिष में बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केवल 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह अशुभ फल देते हैं तो उनसे बचने के लिए ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करना भी उतना ही लाभकारी होता है। वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं, जिसमें से 9 ग्रहों के 9 बीज मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और बगलामुखी मंत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है, तो उनके जप से भी आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यंत्र, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमेशा आपकी मदद करता है। यंत्र कागज पर बनाया जा सकता है, यंत्र भोजपत्र पर बनाया जा सकता है, यंत्र तांबे की प्लेट पर बनाया जा सकता है। पहले तो अक्सर भोजपत्र पर, कागज पर यंत्र बना पड़ते थे, अनार की कलम से और अष्टांग की शाही से भी यंत्र बनते थे और बहुत सारे प्रोसेस थे यंत्र बनाने के। आज की डेट में आपको प्रिंटेड यंत्र मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन उसकी विधिवत स्थापना कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर यंत्र की विधिवत स्थापना नहीं हुई है तो उस यंत्र का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यंत्र
एक रचना मात्र या फिर एक रेखांकन या फिर जो उस पर बनी हुई पिक्चर्स है वो मात्र नहीं है। कुंडली में अगर कोई ग्रह शुभ फल देते हैं तो ध्यान रहे कि यंत्र आपको उससे बचाने में बहुत मदद करते हैं और यंत्रों में वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए हैं। यंत्र देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ग्रह मारक या बाधक हो उस ग्रह की पूजा यंत्र द्वारा करें तो यंत्र को मंत्र का ही एक रूप माना गया है शास्त्रों के अनुसार। नवग्रह यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, सर्वकष निवारण यंत्र, कितने सारे यंत्र हैं जो आपकी हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि यंत्र को मंत्र का ही एक रूप माना गया है। उपवास का बड़ा महत्व है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। किसी विशेष उद्देश्य या कामना पूर्ति के लिए निष्काम भाव से अगर उपवास करा जाए तो भगवान की प्राप्ति का इससे सरल उपाय नहीं हो सकता। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, उपवास का फायदा तब है जब आपने जो खाना उस दिन नहीं खाया वो खाना आप किसी भूखे आदमी को खिला दें जिसको खाना ना मिल रहा हो, वो उपवास होता है। अगर आपने एक दिन उपवास रख लिया लेकिन आपने खाना नहीं खाया, अच्छे अच्छे मिष्ठान खा रहे हैं, अच्छे अच्छे सब कुछ खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस उपवास का। आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा, आप लोग क्षमा चाहता हूं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। बट उस दिन जो आपने खाना नहीं खाया उस खाने को आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करें जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो उपवास है, उस उपवास का आपको अच्छा लाभ मिलता है। विधिवत किए गए उपवास और व्रत का फल अवश्य मिलता है। ग्रह दोष निवारण के लिए उस ग्रह से संबंधित उपवास आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। राशि रत्न, रत्न मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं और सब रत्नों का उपरत्न भी होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का रत्न होगा उतना अच्छा उसका प्रभाव होगा। सभी रत्नों का, जितने भी सभी रत्न हैं उनका, उनके ग्रहों के अनुसार दिन और उंगलियां निर्धारित की गई हैं। लेकिन रत्न का चुनाव हमेशा कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही करना चाहिए। राशियों के आधार पर कभी भी रत्न नहीं पहनने चाहिए और एक निश्चित माप का रत्न ही धारण करना लाभप्रद होता है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा या कम क्वांटिटी का रत्न पहना है तो उससे भी आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कुंडली की ग्रह स्थिति के विपरीत परिस्थिति में या विपरीत रत्न धारण करना, उससे आपको विपरीत परिणाम ही मिलेंगे, हमेशा विपरीत ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रत्न किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा करके उनकी कैलकुलेशन के बाद ही और एक विशेष माप में, एक विशेष कैरेट में कि मुझे इस वजन का रत्न पहनना है, वही करना चाहिए, तभी आपके लिए लाभप्रद होते हैं। दान का बड़ा महत्व बताया गया है। हम सनातनियों के जीवन में दान का बड़ा महत्व है। जितने भी हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के बहुत सारे ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के दान कर्म किए जाते हैं। जन्म पत्रिका का आकलन करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि और अन्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। हर ग्रह का एक मूल स्वभाव है और उसी के अनुरूप दान करना चाहिए। दान में अशुभ ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को अगर दान करा जाए तो उसकी अशुभता में कमी आती है, उसके कुप्रभाव कम हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह अवश्य ले लें। किसी भी उपाय से तुरंत परिणाम की उम्मीद कभी ना करें, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। डू नॉट एक्सपेक्ट अ मिरेकल आउट ऑफ एनीथिंग। दुनिया में कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। आप करेंगे ग्रहों के उपाय तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे लाभ होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अतीत और वर्तमान में मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य की नींव रखते हैं। ज्योतिष का यह मानना है कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म का फल इसी जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म करते रहो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए कर्म करते रहो और कोई भी कर्म हो उनका फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। कर्म कभी भी विफल नहीं जाते हैं। तो ये थी आज एक मुख्य बात जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार महत्व आप बताइएगा, इस पर प्रकाश डालिएगा कि आखिर कैसे रत्न और दान ये सब काम करता है। बहुत ज्यादा लंबा समय में नहीं दे पाया आप लोगों को, बट शायद मैंने जितना प्रयास किया छोटा सा वीडियो के अंदर आपको समझाने का, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।